गुड गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, मनीष ब्राह्मण, संध्या तिवारी, कैसे हो आप सभी लोग? डियर, मेरी आवाज और स्क्रीन सब कुछ क्लियर है? कंफर्म है? कंफर्म कर दो डियर। आवाज स्क्रीन सब कुछ अच्छा से दिख रहा है ना? वॉइस आ रही है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? जी हाँ, आपका आज हम क्या मॉडल पेपर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में इस सब्जेक्ट से अभी तक जो हमने पढ़ाया, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका खत्म कर दिया है, सभी को पता है ना? और उसी चैप्टर 1 चैप्टर 2 से किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर होने वाला है फार्मास्यूटिक्स का, आज 2 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाओ ताकि आज हम स्टार्ट कर सके किस किस प्रकार के एमसीक्यू आपको तैयार करने हैं। अभी फिलहाल मनीष है, संध्या है, दो लोग जुड़े हैं। ठीक है, कहाँ से हो मनीष संध्या, आप बताओ कहाँ से हो आप लोग? किस कॉलेज से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, किस स्टेट से हो, थोड़ा बताओ, तब तक लोग आ रहे हैं, है ना? फटाफट जुड़ जाओ भैया सभी लोग, ऐसे कैसे चलेगा? जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जौनपुर में किस जगह, किस कॉलेज से हो डियर? जौनपुर में, जौनपुर जानता हूँ भैया, आजमगढ़ में तो मेरा भी घर है ना? तो जौनपुर के लगभग कॉलेज काफी जानता हूँ, मेरे जान पहचान में भी बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं, है ना? कौन सा कॉलेज है संध्या? मनीष आप अभी बता दो डियर। जी हाँ, आ जाओ फटाफट। हरि ओम अनुज मिश्रा, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही तैयारी आपकी डियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आफ्टरनून है डियर अनुज। निर्मला देवी फार्मेसी बादशाहपुर, मुंगरा बादशाहपुर। ओके ठीक है, ठीक है, मुंगरा बादशाहपुर। संध्या आजम, निर्मला देवी मुंगरा बादशाहपुर, ठीक। अच्छा, निर्मला देवी से अनुज भी हो, ठीक है। हरि ओम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शहनवाज अख्तर, कैसे हो डियर? गौरा बादशाहपुर, अच्छा गौरा बादशाहपुर एक होता है, मुंगरा बादशाहपुर दो है ना? गौरा बादशाहपुर तो आपके वहां बर्दा वगैरह के पास है, मेरा भी घर ठेकमा के आगे है, आजमगढ़ में। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छा है आप लोग। हरिओम, आप बिहार से हो, बेगूसराय से, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। पढ़ाई वढ़ाई चल रही सबकी? बढ़िया है ना? देखो भैया, अच्छे से करो, जीडीसी में जुड़े रहोगे तो ये है कि अच्छे से एग्जिट एग्जाम वगैरह का तो बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, इतनी क्लासेस वगैरह होंगी, है ना? तो जरूर हो जाएगा। अनुज, अनुज आप गौरा बादशाहपुर से हो, अच्छा बहुत अच्छी बात है भैया, जरूर मिलेंगे यार, बिल्कुल मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पे है? झारखंड से आप हो शहनवाज जी, बहुत अच्छी बात है। जौनपुर झारखंड, और एक बेगूसराय से है ना अनुज? अच्छा, आपका और संध्या का दोनों कॉलेज एक है क्या? संध्या का है निर्मला देवी, अनुज का भी निर्मला देवी है। तो निर्मला देवी मुंगरा बादशाहपुर में है कि गौरा बादशाहपुर में है? क्लास एक दिन गैप करके हो रहा है, अच्छा ऐसा तो नहीं है, शायद हो सके इधर बीच गैप हो रहा होगा। अच्छा, तो ये मुंगरा बादशाहपुर है कि गौरा बादशाहपुर? संध्या ने बताया मुंगरा और उन्होंने बताया गौरा बादशाहपुर। मनीष यादव, आप कहाँ से हो, किस कॉलेज से हो डियर? मनीष, अनुज, हरिओम, शहनवाज, अच्छा गौरा बादशाहपुर, ठीक है। स्टार्टिंग में मुंगरा बादशाहपुर लिखा था ना, ठीक है ठीक, गौरा बादशाहपुर में है। ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत दूर के नहीं हो तुम लोग। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड है, अच्छी बात है, चलो सही है। कैसी चलती है तैयारी यहाँ पे, सारी चीजें मिलती ही होंगी आपको? हरिओम जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अच्छा जी। अनुज संध्या की खिंचाई कर रहा है कि उसका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चले स्टार्ट करें। देखो ज्यादा लोग तो आते नहीं हो, कोई बात नहीं, जितने लोग आते हो उतने लोग करो अच्छे से तैयारी, करते रहो, और जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वगैरह है ना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा मनीष, आप एमपी से हो, चलो अच्छी बात है यार, हर जगह से बच्चे जुड़े हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना? संध्या जाने दो, अब तुम्हारा क्लासमेट है, उससे लड़ाई मत करो, है ना? अनुज परेशान ना करो भैया अपने क्लासमेट को, ठीक। हाँ जी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में अपने हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करा दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है? इससे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में, तो
तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे, उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले सिलेबस तो सभी के पास होगा, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते रहा करो, एक एक चीज यहाँ पे कवर करोगे। और जो देखो जरूरी नहीं कि लाइव में, अभी मान लो अभी पीछे है आपको चैप्टर 4 5 पढ़ना है, तो उसको रिकॉर्डिंग में जाके देख लिया करो, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, सभी सब्जेक्ट में पढ़े हैं, वहां से देख लेना, वहां से सब कुछ क्लियर कर लेना, सभी फैकल्टीज आपको बताई है ना। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में आज हम मेनली देखेंगे कि थ्योरी में और आपके एमसीक्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है, हिस्ट्री एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया के अंदर फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, फार्मेसी का प्रोफेशन क्या है, उसके बारे में किसके किसके रिलेशनशिप में हमने हिस्ट्री देखी थी, एजुकेशन के हिसाब से हिस्ट्री क्या कह रही है ना। बिल्कुल अनुज बताओ, इंडस्ट्री के हिसाब से, फार्मेसी प्रैक्टिस के हिसाब से और वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन के हिसाब से क्या हिस्ट्री, क्या उसका डेवलपमेंट रहा है, इसको हमने करा दिया था। जिसकी लाइव क्लास मिस हो चुकी है वहां पे जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिर फार्मेसी एज ए करियर का पूरा ट्री दिखा दिया था, है ना जी। अनुज बताओ कि भैया फार्मेसी एज ए करियर, फार्मेसी करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, उसके बारे में बता दिया था। फिर उसके बाद सबसे मेन आपका जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होता क्या है, आईपी क्या होता है, बीपी क्या होता है, यूएसपी नेशनल फॉर्मुलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और आईपी के साइलेंट फीचर। ठीक है, ठीक है। देखो पाठशाला में जो भी आप कह सकते हो क्वेश्चन हम बताते थे, वो क्वेश्चन आपके थ्योरी के ही है, तो थ्योरी में अगर आप करते हो ना तो वही चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी किस प्रकार के क्वेश्चन फाइनल में आएंगे उसको आप ई ट्यूटर चैनल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट पर ही है ना। चलो फिर उसके बाद अगर बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल, आपका चैप्टर 2 में हमने देखा था पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, इसके टाइप्स हमने देख लिए थे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है पैकेजिंग मटेरियल का, एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल, चाहे वो ग्लास हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो या रबड़ हो, उन सब का देखा था। और भैया जिनकी क्लासेस छूटी है ना लाइव के, उसको एक बार जरूर देख लेना जिससे क्लियर हो जाए। चलो भैया हम देख लेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, यहाँ पे हम मेन बड़े नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसको दिखाएंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 का। उसके बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 में एमसीक्यू किस प्रकार के आते हैं, एमसीक्यू को देखेंगे और उस हिसाब से आपको सिंपली क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 में जब फाइनल एग्जाम होगा ना थ्योरी का, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो भैया सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले में पूछ सकता है चैप्टर 1 में, फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है, इसको बता दिया था लेक्चर में, कर लेना वहां से, अगर किए होगे तो इसको कर भी लोगे। क्वेश्चन मस्ट नोट डाउन कर लेना किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स को डिफाइन कीजिए, ब्रीफ में डिफाइन कीजिए किसकी, फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के रिलेशनशिप में, फार्मेसी एजुकेशन के रिलेशनशिप में, या फिर प्रोफेशन की इंडस्ट्री या एसोसिएशन की हिस्ट्री के हिसाब से, अलग अलग हिस्ट्री के हिसाब से आपका पूछेगा। फिर डिस्कस अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू एजुकेशन, बोला ना एजुकेशन से रिलेटेड फार्मेसी प्रोफेशन का क्या हिस्ट्री रह चुकी है इंडिया में, क्या डेवलपमेंट रह चुका है ना। एजुकेशन मतलब पहले आपका बी फार्मा कहाँ से स्टार्ट हुआ, BHU से स्टार्ट हुआ, 3 साल का होता था, फिर अलग अलग, ये हमने बताया था, पढ़ाया था। फिर इंटरनेशनल फार्माकोपिया को शॉर्ट में आपको डिफाइन करना है और उसके फंक्शन को भी डिस्कस करना है, ये हो गया। फिर ब्रिटिश बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया को भी डिस्कस कीजिए। फिर हिस्ट्री डेवलपमेंट फार्मेसी प्रैक्टिस का, इंडिया में हिस्ट्री डेवलपमेंट ये क्या होता है उसको बताइए। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो आपका पूछ सकता है एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन, अलग अलग जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसके बारे में। फिर फार्माकोपिया, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, और उसका क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव और यूएसपी को एक्सप्लेन कीजिए 8 नंबर में, 2-3 पेज में लिख दोगे हो जाएगा। फिर फॉलोइंग को डिटेल में लिखिए, किसके बारे में, नेशनल फॉर्मुलरी क्या होता है, इसको भी बताया था हमने लास्ट क्लासेस वगैरह में, देख लेना मार्टिनडेल के बारे में। फिर राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया और आईपी का साइलेंट फीचर, ये भी आपका सिलेबस में था, ये इससे क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में है एक्सप्लेन करियर ऑब्जेक्टिव इन, यानी कि फार्मेसी एज ए करियर कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे, इन सारे क्वेश्चन को भी आप एक बार प्रैक्टिस करना, इनके आंसर को क्लासेस से, नोट से, तो क्लियर हो जाएगा। फिर अगर हम चैप्टर 1 हो गया ये, अब चैप्टर 2 की बात कर ले। चैप्टर 2 में क्या था बाबू लोग, पूरा का पूरा आपका पैकेजिंग मटेरियल से था। पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, साइलेंट फीचर और पैकेजिंग मटेरियल के टाइप्स वगैरह से।
तो भैया पैकेजिंग मटेरियल में आपका कुछ वर्ड होते हैं, उनको दो दो नंबर में डिस्क्राइब कर दो, दो नंबर मिल जाएगा। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर किसे कहते हैं, जिसमें भाई प्रोडक्ट रहता है, कंटेनर रहेगा, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या विदाउट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्लोजर। क्लोजर मतलब ढक्कन हुआ, है ना, ढक्कन हो गया क्लोजर, जो पैकेजिंग मटेरियल में होता है, जो कि आपका क्लोज करता है ताकि गिर ना पाए, इसके बारे में। लाइनर क्या होता है, ढक्कन में जो ऊपर लाइनिंग रहती है, लाइनर, उसके बारे में। फिर कार्टन क्या होता है, कार्टून या बॉक्सेस या कह लो, उसके बारे में। फिर बॉक्स क्या होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन, थर्डरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग, इसको बताना है। फिर ड्रॉ अ फ्लो चार्ट और फॉर टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के टाइप, जी हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके हिसाब से, फिर आपका अलग अलग हिसाब से, फिर आपका सिंगल यूनिट, मल्टी यूनिट, ऐसा करके हमने बताया था ना, कराया था भैया, उसको कर लेना। फिर शॉर्ट नोट लिखिए रबड़ एज अ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, उसके बारे में लिख देना है। फिर डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए किसके बारे में, टेम्पर रेजिस्टेंट जो कंटेनर होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में। चलिए भैया, अब लॉन्ग आंसर की बात कर ले, यहाँ पे 8 मार्क्स में किस प्रकार से चैप्टर 2 में क्वेश्चन बनेंगे बाबू? डिस्कस अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में। 8, 10, 12 हेडिंग थे, उन सारे हेडिंग को कर लेना, क्लासेस में हमने करा दिया था पहली क्लास में चैप्टर 2 के। प्लास्टिक और मेटल कंटेनर, इसके बारे में डिटेल आपने लिखा है। फिर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर का फॉर्मेशन, ब्लोइंग होता है, मेल्टिंग होता है, ये सारी चीजें होती है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलीमर होते हैं प्लास्टिक कंटेनर में को बनाने में यूज किए जाते हैं, उसको आपको करना है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये पूरा सिलेबस रहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आप क्वेश्चन को तैयार करके जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब थोड़ा एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू अगर आपने क्लासेस की होंगी और तो आप एमसीक्यू बताओगे, इसी प्रकार के एमसीक्यू आपके एग्जिट एग्जाम में आएंगे, पक्का है, बाहर से कहीं ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि इन्हीं टाइप से एमसीक्यू बन सकते हैं। चलो, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में जो कि 3 साल का बी फार्मा कोर्स स्टार्ट की थी इंडिया के अंदर, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग में होगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सेक्शन में आपके होगा, ठीक है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी भैया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम BHU बोलेंगे, या फिर JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर, JJ कॉलेज ऑफ फार्मेसी साइंस, या फिर हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी। चलो भैया, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहेगा, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो सर जी, क्यों नहीं बताओगे, आपने पढ़ा है तो बिल्कुल बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। BHU में महादेवलाल श्रॉफ के अंदर अंतर्गत इन्होंने ही तो पहल की थी, तो BHU में फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि 3 साल का बी फार्मा कोर्स लॉन्च की थी, ठीक है, BHU हो गया, ठीक, 1937 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन में ये यहाँ भी पूछ सकता है कि भैया किस ईयर में, तो 1937 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में जिन्होंने बी फार्मा कोर्स लॉन्च किया, है ना। तो आज के समय में BHU बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, और कह सकते हो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अगला अगला क्या भैया, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, अभी 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 अभी, अभी होके गया है, अभी अभी होके गया है, महादेव लाल श्रॉफ, ML श्रॉफ, सर ML श्रॉफ के बर्थ एनिवर्सरी के दिन होता था, ML श्रॉफ सर के, बताओ, अभी अभी हो करके गया, अब इतना हिंट दे दिया, अभी हो करके गया है तो हिंट दे दिया हूं, तो ये तो बता ही सकते हो भैया, 8 अप्रैल को होगा क्या, 6 मार्च को होता है क्या, 6 मई को होता है क्या, या 30 मार्च को होगा, हाँ जी, अभी अभी होके गया, मतलब अभी तो मार्च ही चल रहा है ना, 6 कहाँ गया, मार्च है ये, ठीक है, 6 मार्च, बिल्कुल सही बात है संध्या, हरिओम जी, मिनी मिनी मिनी, क्या नाम है, मिनी, है ना, ठीक, 6 मार्च, अभी अभी आपका प्रोफेसर, अब किसके याद में मनाया जाता है, प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ सर के, ये आपके फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी के जनक बोले जाते हैं ना, इंडियन फार्मेसी के जनक, 6 मार्च को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो फार्मेसी, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, मतलब फार्मेसी के लिए इन्होंने ही तो किया, फादर ऑफ इंडियन फार्मा, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से भी देख लेना, अगर पूछे हु इज द फार्मा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तो आप बताओगे सर प्रोफेसर ML श्रॉफ। और नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, इस ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया। और कभी कभी पूछेगा 6 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 4 अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे रहेगा, तो उससे भी आंसर लगा सकते हो ना, मतलब एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन से,
अब यहां से 2-3-4 क्वेश्चन बन सकते घूम फिर के, ठीक है। तो ये हो गया। चलो भैया अगला क्या है। दिस एरा वॉज फॉलोड बाई रैपिड मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। कौन सा एरा था जिसमें बहुत तेजी से मास प्रोडक्शन हो रहा था मेडिसिन का, दवाइयों का मास प्रोडक्शन, ठीक है। फार्मेसी डे भैया 25 सितंबर, फार्मेसी डे 25 सितंबर को फार्मेसी डे होता है, 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे होता है ना, याद रखो बाबू लोग। तो ये आपका कौन सा एरा था जिसमें हम मेडिसिन का मास प्रोडक्शन, उसे हम क्लिनिकल एरा बोलेंगे, मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, या फिर साइंटिफिक एरा बोलेंगे, या फिर ट्रेडिशनल एरा बोलेंगे, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। देखो अब दवा को बनाने की बात आ रही है, दवा के मास प्रोडक्शन की बात आ रही है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बाबू लोग। कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई ट्रेडिशनल बता रहा है। तो भैया दवाइयों के प्रोडक्शन कहाँ होता है, दवाइयों का प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता है, और दवाइयों का मास लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर प्रोडक्शन की बात की जाए ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आएगी बाबू लोग, सी नहीं होगा। ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में दवाइयों का मास प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, अब देखो अलग अलग एरा थे, अलग अलग एरा, चलो इस एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में समझ ही गए बाबू लोग कि आपका मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन हुई। ट्रेडिशनल एरा अर्ली 20 सेंचुरी के आसपास हुआ था। इस एरा में फार्मासिस्ट आपके फॉर्मुलेशन, डिस्पेंसिंग और कंडक्टिंग में इन्वॉल्व हुए। ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशन में आए फार्मासिस्ट, ठीक है, ट्रेडिशन में आए फार्मासिस्ट। उसके बाद अगर बात करते हैं साइंटिफिक एरा, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये स्टार्ट हुआ। इस एरा में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इमर्ज हुई आपके ड्रग वगैरह को बनाने में। फिर क्लिनिकल एरा में क्या होता है, फार्मासिस्ट आपके क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग की कैसे पेशेंट पे मेडिसिन वर्क करती है, इन सारी चीजों की बात करें, तो वहां पे आपका क्लिनिकल एरा हो गया। लास्ट में आता है फार्मास्यूटिकल केयर एरा। इसमें भैया इंडिविजुअलाइज थेरेपी की जाती है पेशेंट की, वो आपका फार्मास्यूटिकल क्लिनिकल एरा हो गया, ठीक है। चलो तो ये कुछ एरा थे, यहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू लोग। हाँ, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इपका बोलते हैं, किस ईयर में फॉर्म हुआ। एसोसिएशन से क्वेश्चन था आपके चैप्टर 1 का, है ना। एसोसिएशन इंपेरिकल एरा में, इंपेरिकल एरा कहां था, यहां पे इंपेरिकल एरा भी था क्या, इंपेरिकल एरा तो नहीं था। इंपेरिकल एरा एक तरह से कह सकते हो मैट्रिक सिस्टम, इंपेरिकल सिस्टम ये आपका डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इंपेरिकल एरा तो नहीं है फिलहाल, बाकी डोज कैलकुलेशन से होता है वो। चलो भैया किस ईयर में IPCA, संध्या बता रही है ऑप्शन डी, और कोई बताओ भैया। 48 में, 40 में, 35 में, या 20 में। इपका ऑप्शन सी, मिनी बंसल जी बता रही है 1940 में, और कोई बताओ। चलो कंफ्यूजन दूर कर लो, सारे जितने भी एसोसिएशन थे मैंने बताया था 1948 इसका राइट होगा, हरिओम भी बता दिए, मिनी करेक्ट कर लेना डियर, ठीक है। चलो इस स्क्रीनशॉट को चाहे ले लो या इसको देख लो, इसको पढ़ाया भी था हमने, है ना। 1920 में नहीं होगा बाबू, 1920 में कलकत्ता ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन बना। चलो 1920 में क्या बना, कलकत्ता ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन बना था। 1935 में क्वालिफाइड प्रोफेशनल BHU के BHU फार्मास्यूटिकल सोसाइटी बनाए, है ना। उसके बाद देखो सिलेबस, ऋतिक जी क्लासेस तो चल ही रही है सारे सब्जेक्ट की, और साथ ही साथ मैंने बोला ना कि अगर कोई आगे का सिलेबस अगर आपको देखना है, कोई चौथा पांचवा छठ, जैसे आप अभी दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पांचवा छठवा चैप्टर देखना है, तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पड़ी है, रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकते हो, बाकी ऑनलाइन क्लासेस में और क्लियर हो जाएगा चीजें, है ना। ऋतिक सब कुछ क्लियर होगा, कन्फर्म होगा डियर, घबराओ मत। 1940 में अलाइड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन लिमिटेड बना मुंबई में। 1948 में आपका IPCA इपिका बना। 1963 में आपका IHPA बना, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। 70 में ज्वाइंट कॉमनवेल्थ फार्मासिस्ट एसोसिएशन बना, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके सारा चीजें, आप अलग अलग एसोसिएशन से क्वेश्चन आता है उसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ जी, ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ऐसा कह लो, अलग अलग स्टेट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या विधायक लोग के द्वारा या किसी के द्वारा, नहीं बहुत सोच समझ के आंसर लगाना आसान है, आसान है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं,
हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और डिस्ट्रिक्ट किसके कंट्रोल में होगा भैया? स्टेट के कंट्रोल में होगा, राज्य के कंट्रोल में होगा, है ना, राज्य के ही तो कंट्रोल में होगा। तो क्या लगाएंगे ऑप्शन, थोड़ा बताओ बाबू, बताओ बच्चा लोग, ऑप्शन क्या भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा बाबू, है ना, राज्य, राज्य के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, ड्रग इंस्पेक्टर जो कि आपके ड्रग सेफ्टी यूटिलिटी को मॉनिटर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिंपली यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं। चलो अगला क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज नोन है। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि डिटरमाइन करता है कि जो प्रोडक्ट सर्विस बन रही है वो स्पेसिफिक क्वालिटी में बन रही है, पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्वालिटी कंट्रोल कहलाएगी बाबू लोग, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहलाएगी बाबू लोग, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, या फिर पैकेजिंग। बहुत ध्यान से समझना, क्वालिटी से रिलेटेड है ना, कि भैया ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि ये बताती है कि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज चल रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो सही रिक्वायरमेंट या सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से दवा बन रही है कि नहीं बन रही है, कौन बताएगा? चलो एक बार दिमाग लगाओ, आंसर बताओ, तो थोड़ा सा हम भी बता दें आप। क्वालिटी एश्योरेंस अनुज जी बता रहे हैं, और बिल्कुल सही है, क्वालिटी एश्योरेंस। जी हाँ बिल्कुल सही है, क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि एश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज चल रही है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एक सिस्टमिक प्रोसेस होती है, डिटरमाइन करती है कि जो प्रोडक्ट सर्विस है वो सही तरीके से बन रही है कि नहीं, अश्योर करती है उसकी क्वालिटी। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग होती है भैया, विद्या जी उसमें टेस्टिंग होती है। हाँ चलो भैया, फर्स्ट एडिशन आईपी का किसके चेयरमैनशिप में कब हुआ था ये तो पता था, 55, सेकंड 66, 85, 96, 2007, 2010, 14, 18, 22, ऐसे देखा ही था। किसके भैया अध्यक्षता में? बीएन घोष जी के, बी मुखर्जी जी के, नित्यानंद जी के, सी के मिश्रा जी के चेयरमैनशिप में किसकी अध्यक्षता में हुई थी बाबू लोग, बता दो बाबू लोग, है ना, डॉक्टर बीएन घोष आ रहा है आंसर, चलिए लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर बी एन घोष जी के। हमने बोला ना सभी आईपी का एडिशन से तो क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एडिशन के साथ साथ चेयरमैनशिप से भी क्वेश्चन आएगा। तो भैया आईपी का क्या क्या याद कर लोगे भैया? एडिशन एकदम कंठस्थ कर लो, ये हमेशा काम आता है हमेशा। और किसके चेयरमैनशिप में हुआ था इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। चलो भैया बाबू लोग आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो होता है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है भैया? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, या फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्मेसी लॉ, या फिर फार्मा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, या फिर नन ऑफ द अबव। जी हाँ, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की बात चल रही है बाबू लोग, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंडिया की तो बात की नहीं जा रही है कि इंडियन आएगा बाबू, हाँ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। नन नहीं, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी होगा अनुज बाबू, रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, ठीक है ये होगा। चलो मार्टिन डेल हुआ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हुआ, ये रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा। एनालाइजेस मेडिकल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंटेशन डिफिशियंसी। जी हाँ, कौन एनालाइज कर रहा है भैया मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में डिफिशियंसी को? कौन एनालाइज कर रहा है, कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? फार्माकोथेरेपी, न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस, या मेडिकल कोडिंग? चलो भैया, किस चीज के द्वारा हम मेडिकल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं या एनालाइज करते हैं, और डॉक्यूमेंट में जो भी कमी है, डिफिशियंसी है, उसको एनालाइज करने का काम करते हैं, बताओ किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, भैया ए बी भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। फार्माकोथेरेपी, तो भैया थेरेपी की बात आ रही है, रिकॉर्ड में डिफिशियंसी, डॉक्यूमेंटेशन में डिफिशियंसी, मेडिकल कोडिंग कहलाएगी बाबू लोग, है ना, कोडिंग में आएगा, कोडिंग में। ठीक,
विजिलेंस अलग हो गया। ठीक, मेडिकल कोडिंग क्या करता है? रिकॉर्ड एनालाइज करता है, डॉक्यूमेंटेशन में डिफिशियंसी को वो करता है, और रिव्यू करता है, वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। प्रिंस द प्रिंसिपल डू नॉट मिस क्रिटिकल एंड डू नॉट ओवरलोड वॉज फॉलोड बाई विच एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी। जी हाँ, नेशनल फॉर्मुलरी के किस एडिशन के द्वारा एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका क्या नाम है डू नॉट मिस क्रिटिकल एंड डू नॉट ओवरलोड फॉलो किया जाता है? थर्ड एडिशन के द्वारा, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? चलिए इसका भी आंसर देख लो। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ में आ सकते हैं, बाउंस जाएंगे, लेकिन उसको हम यहाँ पे देखेंगे, करेंगे। सिक्स्थ एडिशन, ऑप्शन नंबर सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन में नेशनल फॉर्मुलरी के जो कि 2021 में ड्राफ्ट किया गया था, क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया? डू नॉट मिस क्रिटिकल एंड डू नॉट ओवरलोड। ठीक, चलो। हाँ जी, अब थोड़ा पैकेजिंग मटेरियल में भी एंट्री ले, उससे भी क्वेश्चन करें। हाँ, कंटेनर दैट डज नॉट अलाउ द एयर एंड अदर गैसेस टू पास थ्रू द आइदर डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। जी हाँ, ऐसा कंटेनर जो कि अपने अंदर एयर ओवर को पास नहीं होने देती, एयर को, वो टाइट कंटेनर बोली जाएगी बाबू लोग, हर्मेटिक कंटेनर बोली जाएगी बाबू लोग, चाइल्ड रेजिस्टेंट बोली जाएगी या फिल्म रैपिंग, हमने पढ़ाया है पैकेजिंग मटेरियल में। क्वेश्चन तो आप बताओगे ही बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। ऐसा कंटेनर जो कि एयर वगैरह को पास नहीं होने देता, क्या हम बोल दें एयर टाइट? ना ना, हर्मेटिक कंटेनर। हर्मेटिक कंटेनर गैसेस वगैरह को पास नहीं होने देता, हर्मेटिक सील्ड होगा, हर्मेटिक सील्ड होगा। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे मालूम है। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर बताया था ना, ऐसा कंटेनर होता है जो कि एयर या अदर गैसेस को, है ना, पास होने नहीं देता थ्रू आइदर डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हैंडलिंग, शिपमेंट, स्टोरेज एंड और डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका सिंपली सिंगल डोज के लिए होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले, एल्यूमिनियम कैन, मेटल फॉइल, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्या है? मेथड इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू फॉर्म द मोल्टन ग्लास इन द कैविटी ऑफ मोल्ड। जी हाँ, जब ग्लास बनाते थे तो कौन सा मेथड है जिसमें कंप्रेस एयर मोल्टन ग्लास में फूकी जाती है, मोल्ड की कैविटी में डाली जाती है तो वो ग्लास बनता है? उसे हम ब्लोविंग बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे, प्रेशिंग बोलेंगे, कास्टिंग बोलेंगे? बताओ कौन सा मेथड बोलेंगे? ग्लास बनाने का मेथड है ये, ब्लोइंग, ड्रॉइंग, प्रेशिंग, कास्टिंग, ये सब हमने कराया भी था, देखा भी होगा आपने। चले भैया, पता लगाएं क्या कौन सा है? ब्लोइंग, ब्लोविंग, ब्लोविंग, ब्लो करते हैं, ब्लो करना, एयर, एयर फूकना, ब्लो करना, ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। संध्या आप एक बार बी बता रहे हो, एक बार सी बता रहे हो, ए होगा डियर, ब्लोइंग। ठीक है, ये मेथड देख लो। ब्लोइंग में क्या होता है, कंप्रेस एयर यूज की जाती है मोल्टन कैविटी में। ड्रॉइंग में क्या होता है, ड्रॉ करते हैं, पुल करते हैं। प्रेसिंग में मतलब दबाते हैं उसको। कास्टिंग मतलब ग्रेविटी के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा कास्ट कर दिए, है ना। हाँ जी, चलो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 3 ग्लास को और क्या बोलते हैं? पहले को हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू लोग टाइप 3 को? टाइप 3 बताओ, रेगुलर बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, बताओ? रेगुलर भैया, कैसे? जनरल पर्पज 4 हो गया बाबू, और ट्रीटेड सेकेंड, बोरोसिलिकेट ग्लास फर्स्ट, ये थर्ड, सी होगा बिल्कुल। ये देखो, ये देख लो, इससे क्वेश्चन एक ठो एग्जिट एग्जाम में पक्का बनेगा, पक्का है। टाइप 1, 2, 3, 4, चलो। हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरे को ट्रीटेड सोडा लाइम, तीसरा है सोडा लाइम या रेगुलर सोडा लाइम बोल सकते हो,
और चौथा है नॉन पेरेंटल बोलते हैं जिसे जनरल पर्पज बोलते हैं। और टेस्ट की बात कर लें तो सेकेंड वाले में बस वाटर अटैक टेस्ट होगा, बाकी तीनों में पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनको पक्का याद कर लेना। ये नॉन पेरेंटल बोलते हैं यानी पेरेंटल के लिए नहीं होता, बाकी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है भैया। टाइप ऑफ प्लास्टिक गेट सॉफ्टेन टू अ विस्कस फ्लूड ऑन हीटिंग एंड हार्डन अगेन ऑन कूलिंग। जी हाँ, ऐसा कौन सा प्लास्टिक होता है जो कि गर्म करने पे या हीट देने पे सॉफ्ट हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और कूल करने पे हार्ड हो जाता है? बताओ। हीट देने पे लिक्विड बन जाएगा यानी हीट देने पे सॉफ्ट हो जाएगा, और कूल करने पे हार्ड हो जाएगा, ऐसी प्लास्टिकिया को क्या बोलोगे? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, बी एन बी, ए एन बी, नन ऑफ दी अबव। चलो इसको बता डाला तो समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा है अच्छे से। क्या होगा बाबू? हीट देने पे सॉफ्ट और ठंडा करने पे हार्ड, क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग का मतलब सेट हो गया यानी जल्दी पिघलेगा ही नहीं, और जो पिघल जाएगा ठंडा हो जाएगा, ये ए होगा। ठीक, थर्मोक्लाट सॉफ्ट हो जाता है हीट पे और हार्ड हो जाता है कूल करने पे, है? और थर्मो सेटिंग में क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता और फ्लूड नहीं बनता, ठीक, सेट रहता। चलो, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग? हाँ जी, ब्लिस्टर पैकेजिंग आपने देखा होगा, टेबलेट देखा होगा, उसमें अपना खाना खाना में बने होते हैं। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग में जो प्लास्टिक होता है कौन सा होगा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। बताओ कौन सा प्लास्टिक होगा भैया ब्लिस्टर पैकेजिंग को बनाने में यूज? बताओ जो बाबू लोग बता दो। ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ना ना, ऑप्शन रहेगा पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन होगा बाबू ब्लिस्टर के लिए, कंफ्यूज मत हो, पॉलीप्रोपाइलीन ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। विच टाइप ऑफ मेटल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एरोसॉल कैन? हाँ जी, स्प्रे बनता है, एरोसॉल का कैन बनता है, उसके लिए कौन सा कैन होगा, कौन सा मेटल होगा? टिन का, शीशे का, एल्यूमिनियम का, सबका? बताओ। कैन वगैरह देखा होगा, कैन ज्यादातर किसका बनता है बाबू लोग? कैन अगर बनता है तो किसका बनता है बताओ, बता दो। ऑप्शन ए, टिन, टिन, टिन होगा बाबू लोग, टिन का बनता है कैन, टिन का रहता है ना, टिन कंटेनर, ज्यादातर टिन कंटेनर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रबड़। हाँ जी, नेचुरल रबड़, तीन जो आपके केमिकल है, एक तो नेचुरल है, उसी को पकड़ लो। नेचुरल रबड़ क्या होगा? पॉलीक्रो क्लोरपीन, पॉलीब्यूटाडाइन, नेचुरल रबड़, या ब्रासिलेनिस लेंसिस, ब्राजीलेंसिस, बताओ कौन सा होगा? ब्राजीलेंसिस। चलो जी बिल्कुल, डी डी, ये भैया ये तीनों के तीनों आपके वो है, सिंथेटिक है बाबू लोग, ये तीनों सिंथेटिक है, ये आपका नेचुरल है। ठीक, नेचुरल रबर देख लो, ब्रासिलिनेसिस है, और ये पॉलीकोप्रीन, पॉलीब्यूटाइन, नाइट्रीन, नाइट्राइल, ये सब आपके सिंथेटिक में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? चलो हाँ जी, कौन सा टेस्ट आपका होगा टाइप 1 ग्लास को चेक करने के लिए? हमने क्या बताया था, टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 में कॉमन टेस्ट होता है जिसे हम पाउडर्ड ग्लास टेस्ट बोलते हैं, और टाइप 2 में क्या होगा? वाटर अटैक होगा। ठीक है बाबू, पाउडर ग्लास लगा सकते हैं क्या? लगा दे बाबू, बताओ, ऑप्शन लगा दिया जाए, एकदम सोचा मत करो, तुरंत बता दिया करो, पाउडर ग्लास। ठीक है, ये हो गया।
मैंने हमने इसको भी देख लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1, 2, 3 और 4। हाईली रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट बोरो सिलिकेट, पाउडर ग्लास, वाटर अटैक, ये सब। वाटर अटैक बस दूसरे में होगा, बाकी तीनों में पाउडर ग्लास होगा। ठीक, चलो। फिनोमिना दैट अफेक्ट द अपियरेंस ऑफ ग्लास कंटेनर। जी हाँ, ऐसा कौन सा फिनोमिना या ऐसा कौन सी चीज होती है जो कि ग्लास कंटेनर के अपियरेंस को अफेक्ट करेगा? ब्लूमिंग, धब्बा पड़ जाना, ब्लूम, या पोर्शन कंट्रोल हो, या फिर पेल इफेक्ट, या फिर बोथ ए एंड बी। चलो, कौन सा इफेक्ट होगा जो कि ग्लास कंटेनर के अपीयरेंस को अफेक्ट करेगा? ठीक है, कौन सा फिनोमिना? ब्लूमिंग। क्या होगा भैया? ब्लूमिंग। ठीक, ऑप्शन ए राइट होगा, वेदरिंग, ब्लूमिंग। ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन सोडा लाइम ग्लास। हाँ जी, सोडा लाइम ग्लास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड। साकू साकू, सुटिक्स सुटिक्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो हमने थ्योरी करा दिया था, उसी का एमसीक्यू कराया हमने आज वाली क्लास में, और एमसीक्यू किस प्रकार के एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको बताया, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे उसको भी आगे स्टार्टिंग में दिखा दिया था, उसको कर लेना जाके। जी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सोडा लाइम ग्लास में कितना परसेंट? 12 से 19, लेस देन 1, 6 से 10, या 66 से 75? बताओ। ऑप्शन आ रहा है 66 से 75। सही है क्या? बिल्कुल सही बात है, हाँ सी होगा। ये देख लो, ये ग्लास में क्या क्या अलग अलग कंटेंट के परसेंटेज, कंपोजिशन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड 66 से 75, सोडियम ऑक्साइड 12 से 19, कैल्सियम ऑक्साइड 6 से 10, पोटेशियम ऑक्साइड लेस देन 1, MgO लेस देन 1, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेस देन 1। ठीक, ये होगा आपका। ये हमने करा दिया आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2। सिंपली सुटिक्स आपने पढ़ा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखा भी होगा, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में आपका हमने थ्योरी भी करा दी है, यानी कि अभी तक ये पूरी कंप्लीट थ्योरी भी करा दी है और उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं और एज वेल एज आपका क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, सब कुछ करा दिया। 2 चैप्टर अच्छे से जिसने सारी क्लास की होगी, सब कुछ क्लियर होगा तो अच्छे से आपका सब कुछ हो जाएगा। ये रहा आज का मॉडल पेपर, बाकी जितने भी चीजें आपको छूटी है सब जाके रिकॉर्डिंग है और भी चीजें पड़ी हैं वहां से देख लेना, क्लियर कर लेना बाबू लोग, ताकि सब कुछ बढ़िया से हो जाए। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्लासेस में जुड़ते रहो और सारी चीजें क्लियर करते रहो। हाँ, ये वीडियो मिस्ड लाइव में मिल जाएगा, मिस्ड लाइव में मॉडल पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट हो, और मेन जो जीडीसी यूट्यूब का चैनल है उस पर भी देखते रहना, उस पर भी हम एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह और प्लेलिस्ट देख लेना, एग्जिट एग्जाम की प्लेलिस्ट है, मॉडल पेपर की है, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, डेली क्लास बिल्कुल रखवाएंगे ही, और पढ़ाई करते रहिए, बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना। ठीक, थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।